हरियाणा के सीएम के नाम के जैसे ही सैनी का नाम आया, वैसे ही भाजपा में अंतर्कलह की स्थिति भी पैदा हो गई। पार्टी में इतनी कलह बढ़ी कि भाजपा के कई दिग्गजों समेत पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हरियाणा में चुनावी पारा हाई है। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बारिश का मौसम हरियाणा के नेताओं के लिए बसंत बनता जा रहा है। दावों और वादों की सभी दलों की फेहरिस्त बढ़ चुकी है। गलियां नुक्कड़ों पर सियासी चर्चाएं तेज हैं। बीते एक महीने की घटनाक्रम पर बात करें तो भाजपा में खुलकर बगावत देखने को मिली, वही कांग्रेस में भी लगातार स्थिति जो है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। पहले हम भाजपा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भाजपा एक दशक से सत्ता में है। हरियाणा की कमान 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर के हाथ में रही। वहीं भाजपा में 35 बनाम एक का दाव खेलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया। हरियाणा के सीएम के नाम के जैसे ही सैनी का नाम आया, वैसे ही भाजपा में अंतर्कलह की स्थिति भी पैदा हो गई। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज की नाराजगी खुले मन से सामने आई है। हरियाणा भाजपा में असली महाभारत टिकट बंटवारे पर शुरू हुआ। पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को साइड कर दिया, वहीं इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस आए हुए लोगों को टिकट थमा रही है। पार्टी में इतनी कलह बढ़ी कि भाजपा के कई दिग्गजों समेत पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए या वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। सभी बगावत और टूट को भाजपा के हाईकमान ने इनकार करते हुए इस विधानसभा चुनाव में दावा किया है कि भाजपा इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली है। आज हमारे सहयोगी हरिओम वीर ने रेवाड़ी में आम जनमानस के बीच जाकर वहां के लोगों से बात की और माहौल जानने की कोशिश की। हरिओम वीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इन दिनों हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुंचकर जान रहे हैं कि जनता के मन में क्या है और इस बार विधानसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है, जनता क्या चाहती है, इस बार किसके सर पर ताज होगा, तमाम वो चर्चाएं जनता के मन में क्या है। आइए चलते हैं, सफर शुरू करते हैं और चुनावी यात्रा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या है जनता के मन में। हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा के बुढ़ला गांव में। यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं क्या है माहौल। क्या नाम है आप? वीरेंद्र। क्या लगता है इस बार क्या हो रहा है विधानसभा रेवाड़ी में? रेवाड़ी में विधानसभा चिरंजीव का। चिरंजीव? हाँ, आपकी बार दोबारा से। क्यों देखते हैं उनको, चिरंजीव को? क्योंकि अच्छे युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, आगे आने वाले भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार में बड़े पद पे जा सकते हैं। जी हाँ, तो पद पे जाएंगे। रेवाड़ी का विकास, कुछ लोग कहते हैं कि जो विधायक रहे हैं उन्होंने अब तक विकास नहीं किया। रेवाड़ी का विकास किया चिरंजीव राव ने, इंद्रजीत को नहीं करने दिया, समझे? रेवाड़ी में ITI चिरंजीव राव ने ले आई। क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? इस बार कई प्रमुख मुद्दे हैं। क्या? जो कर एम्स कांग्रेस ले आई रेवाड़ी के अंदर, राव इंद्रजीत का नाम हुआ है उसमें। जी। एम भूमिका एम्स की रेवाड़ी लेने वाला राव, ये तो लाने वाले। मैं पूछ रहा हूँ और क्या मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं और उनका समाधान होना चाहिए। कांग्रेस आएगी सरकार तो हल होंगे समस्या। क्या समस्या? कुछ लोग सड़कों की बात करते हैं, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, ये जो है रिचार्ज नहर बनाई गई लेकिन गंदे नाले में तब्दील हो गई, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो ये चिरंजीव ने नहीं की। चिरंजीव ने ये कप्तान ने की? नहीं नहीं की कप्तान ने नहीं की। क्या कहेंगे दादा, ये नहर गंदी है, क्या समस्या? तो कप्तान साहब ने गंदा नालो गिरवा दिया नहर को, उससे गाँव सारो नाराज है इस वजह से। कौन करेगा अब इसका सुधार, कौन करेगा? अब तो भाई BJP ने कर दिया रोक रखो पानी जी, और साफ पानी डालने की कह रहा है BJP वाले कह रहे हैं। हाँ। तो अभी इसका समाधान कौन कर रहा है? अब तो समाधान चुनाव है, उम्मीदवार सब अपने अपने दावे मंसूबे लेकर आते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। चुनाव का बाद में के BJP ने तो पहले भी रोक दियो पानी, तो यो गंदो यो पहले को गिरो। सरकार तो 10 साल से BJP की है ना, सत्ता में। हाँ, फिर क्यों नहीं हुआ? कर रखो साफ, जो ऊपर को झाल आओ ऊपर यही मावे, जो कट बना रखो नहर को ऊपर को पानी आओ, जब वो वही कम आवे तो इसमें आवे कैसे, ये है बात। क्या मुद्दे की रेवाड़ी में आज तक कोई मुद्दा? यो है रात दिन भैंस खुल रही है, चोरी हो रही है, अगर चोरी डकैती हो रही है। हाँ, कांग्रेस आ गई तो और ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म और मुस्लिम की बात है। हिंदू मुस्लिम तो BJP करवा रही है। विकास तो हिंदू मुस्लिम से अलग होता है।
क्योंकि हर आम व्यक्ति को विकास भी खूब करो बीजेपी ने। क्या क्या किया हमारा गांव में तो कम 10 बाढ़ लाग गया अपनी वो पे योग्यता का आधार पे, और पहले एक भी ना लाग गया योग्यता के आधार। हाँ, जो बिना खर्चे के लगे। हाँ भैया कह रहे हैं बिना खर्चे पर, बिना खर्चे के कांग्रेस के राज में बूढ़ा से लगे 20 बाढ़ में गिनवा दू भैया बिना खर्चे पर। हाँ बिना खर्चे पर, लेकिन आरोप तो कांग्रेस पे ज्यादा लगते हैं कि बिना खर्चे के युवाओं को। भैया कांग्रेस हमेशा गरीब की पार्टी रही है, दलित लोगों की पार्टी रही है कांग्रेस, दलितों की रही है। चलिए यहाँ युवा भी हैं, भैया क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? भाई बीजेपी आएगी, कांग्रेस है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार। अच्छा, रुपया लेके बाड़क लगवाया है और जो मंत्री जैक सह का वे लगवाया है, आम आदमी का बाड़क तो बीजेपी सरकार में लग गया। आम आदमी की बात हो रही है, आम आदमी की पार्टी की बात कर लें, क्या लगता है उसका? आम आदमी पार्टी का तो नहीं, इधर हरियाणा में कैंडिडेट की चर्चा तो है, कैंडिडेट तो ठीक है 20-30 हज़ार वोट ले लेंगे, ले लेंगे। हाँ वैसे दौड़ में नहीं है, टक्कर की बात हो रही थी कांग्रेस की, कौन-कौन की टक्कर? बीजेपी की कांग्रेस की, टक्कर तो है नहीं लक्ष्मण है। टक्कर का क्या है? टक्कर में तो सबसे टॉप है लक्ष्मण भाई। बात यो है पूरा, तो पहले बीजेपी जीती है, अभी बीजेपी जीतेगी, भोला से तो बीजेपी जीते। हाँ बिल्कुल, क्यों बीजेपी जीतने का क्या कारण है कि बीजेपी दोबारा बीजेपी की ज्यादा होगी? अच्छा, मोदी के हिसाब से आएंगे बिल्कुल, तो गांव अंदर जीत का हिसाब से। और पार्टियां भी मैदान में हैं, कांग्रेस है, आम आदमी है, कांग्रेस कुछ करेगी, आम आदमी को कोई महत्व भी कोई नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 की टक्कर है इस बार। ना ना, आम आदमी को कोई अभी महत्व है तो नहीं, आगे को बन जाए तो कहीं ना जाए। क्या विकास कार्य होने चाहिए आपके मुताबिक गांव में? गांव में विकास कार्य तो कुछ भी ना हो रहा, बंदा तो ये तो गंदो नाड़ो काट दियो कांग्रेस इन दे यो बास आवे कमा यो तो जो कांग्रेस के बाद। आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी काम कर रही है, सरकार रही 10 साल से, अब फिर आप चुनने वाले हैं, फिर भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? अब तो विकास कार्य तो ऐसे रेवाड़ी में हुए ना कदम कहीं ना कोई आज। रेवाड़ी के लिए मसीहा कौन साबित होगा, कौन विकास करेगा? यो ही करेगा, अब तो लक्ष्मण ही कुछ आयो नयो आयो यो ये कर सकता है बिल्कुल नयो। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत के। दादा आप क्या कहेंगे भाई? तो क्या पूछना चाहो, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का जो है समय बताएगा, अभी बहुत लंबा काम है, रोजी ना बदले दुनिया, ठीक है, वक्त ना पता किसकी तरफ क्या करे जी। ये तो है, लेकिन माहौल यहाँ के आम सा मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे तो वही ना हमारे, जो नरक बहरो ना कर रहा ठीक अब तक भी। ये दादा आप क्या कहेंगे? रखी भी ना कहूँ मैं। चलिए दादा बच रहे हैं, चलिए यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, चलिए कुछ दादा से बात करते हैं। दादा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? चुनाव का, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? बीजेपी चल बुढ़ला गांव क्या कहता है? क्या और रेवाड़ी विधानसभा की बात है, पहले भी एक बाहर से लाकर कैंडिडेट सौंप दिया था, अब भी बाहर का कैंडिडेट है। रेवाड़ी का रिक्शा चलाने वाला भी जानता है कि भाई रेवाड़ी का क्या माहौल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जी, कप्तान का परिवार 3 PDs से यहाँ MLA मंत्री रह चुका है। जो आपके हिसाब से कौन विधायक बन रहा है? सुनो, मैं वो ना ले रहा हूँ जन्म पत्री को, वो बनेगा जी जी। पहले सुनो मेरी बात जी, जिसकी 3 PDs यहाँ से MLA बनते रह गए, और वो आदमी खड़ा होकर एक एक रेवाड़ी का विकास ना हो जाए तो किसकी गलती? विकास होना चाहिए था, पहले इसका दादा बना, फिर इसका बाप बना, और अब यो खड़ा 3 PDs होगी ना जी। जिसने 40 साल एक जगह राज्य की सत्ता के सुख भोग लिए, वो ये कहे कि कुछ काम ना हो, वो तो ये गलत बात। सही बात, बनेगा तो वो जिसकी पब्लिक वोट देगी। तो क्या लग रहा है इस बार? मुझे ये लग रहा है कि हर आदमी, अब वो बात नहीं रही नंबरदार लिया ठेको भाई बुन दे 500 रुपया सारी वोट तेरी, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं होगा, बीजेपी रहेगी तो देश बचा रहेगा, बीजेपी नहीं तो देश नहीं। झाड़ू वाले की बात आ रही है, झाड़ू वाला बेचारा दिल्ली तक सीमित है, रेवड़ी बांट के रह गया या ना बटे, रेवड़ी रेवाड़ी में कभी चल नहीं बटेगी रेवाड़ी में। इस वक्त हम मौजूद है गांव संगवाड़ी में, और ये संगवाड़ी गांव रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव क्या कुछ कहता है, क्या समीकरण है, तमाम जानकारी आपसे साझा कर
कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संगवाड़ी गांव की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण, वो महिला शक्ति जो सरकार बनाती है, बिगाड़ती है और घर से लेकर विधानसभा तक का सफ़र तय करती है, विधानसभा से लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा और हर क्षेत्र में आज महिलाएं जो अव्वल हैं, आगे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। और सरकार, जितने भी कैंडिडेट होते हैं सरकार बनने से पहले दावे करते हैं, उम्मीदवार दावे करते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, सरकारें कहती है महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या वाकई में वो काम हो रहे हैं या नहीं? महिला हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की स्थानीय क्या मुद्दे हैं, तमाम चर्चाएँ करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? समीर जी। क्या सरकार महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है? हाँ। क्या करती हैं? भाई कर रही है, रोड राड बना रही है, सारा चीज कर रही है जी महिलाओं के लिए। वैसा काम ना करे, सही कह रहे भाई साहब। हाँ, वैसे काम ना करे महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, तो काम ना खोल रखे। सही बात है भाई, कोई काम ना खोल रखे। तो क्या लगता है कि कौन अच्छा काम करेगा? अब भाई देखो कौन करे, आप करो भाई। आप करो कि हम तो मीडिया है, हम पत्रकार है, हम सिर्फ बात जान रहे हैं, आपकी बात को ले जा रहे हैं सरकार तक या उम्मीदवारों तक। लेकिन आप करो, क्योंकि कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, कौन बेहतर हो सकता है, क्या कहेंगे? सही बात है भाई, कौन बेहतर होगा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? थारी दे देंगे भाई, हम तो समझी वाओ जीत की दे। कांग्रेस में, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी कह रहा है कि मुफ्त बिजली देंगे, तो क्या कहेंगे भाई? तो मर्द मानस बताऊंगा, जीते देंगे ही हम तो। आप क्या कहेंगे, मुफ्त बिजली वाले को देंगी? हाँ, बिजली वाला से देंगे, बिजली वाले आम आदमी पार्टी को। तो दिल्ली में केजरीवाल झाड़ू वाली पार्टी है। अच्छा जी, क्या लगता है अब हमने भाई ना? अच्छा, महिलाओं के लिए क्या काम किया सरकार ने, आप कह रही थी अभी? पूरे तो कुछ ना कर रहे, दिल्ली में तो फ्री भाड़ो किराए से बस में दाओ घूम में सारा हम तो। हाँ, तो दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है? हाँ, दिल्ली में अच्छा। तो वो पार्टी आप यहाँ फिर लाना चाहेंगी? ला दे, पूरे दे देंगे उसको, देंगी मुफ्त बिजली, मुफ्त बस में किराए और के हरी बीमारी दवाई मुफ्त मिल जाए। वाह, ये और आप क्या कहेंगी भाई? हम भी भाई है कांगो और हम के कांगा। तो इस बार मतलब सतीश यादव जीत रहे हैं? हाँ, सतीश यादव को वोट करेंगे? हाँ। अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल से भाई। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हमने महिला ने काम चाहिए, दारू ने बिल्कुल बंद कर दिया, दारू तो दुखी, दारू बंद होनी चाहिए, शराब शराब पे, और पानी तो दुखी और बिजली तो दुखी, बाहर काम तो पानी जा, पानी बाहर। तो पानी और बिजली की जो बात करेगा वो यहाँ जनप्रतिनिधि होगा? हाँ, तो उसी ने जितावांगा जो हमारे को काम करेगा। पानी आना चाहिए, लाइट, पानी चाहिए, लाइट कटे तो भाई। तो अगर मुफ्त बिजली मिलती है तो मुफ्त दी बात देख भाई, और भी बढ़िया, और भी बहुत बढ़िया, वो जितावांगा भाई। नहीं, जो हम काफी उम्र दराज महिलाएं हैं, इनसे भी इधर आ जाए भाव, महिला है, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कई चुनाव देखे हैं, कई विधायक बनते बिगड़ते देखे हैं। क्या कहेंगे, क्या अनुभव है और कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया महिलाओं के लिए? कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? अब ये डींगी जड़े मेरी छे और के न्यारी देंगा। पर काम किसने अच्छा किया अब तक? अब ये पानी की, बिजली की, फ्री की, या सबके में आराम आराम की चीज देगो की जाएगा। अच्छा, जो बिजली मुफ्त देगा उसको आप देंगे? हाँ, सबकी जाएगा बिजली आ रहा है। तो मुफ्त बिजली की बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है। हाँ, तो क्या लगता है आपको के आम आदमी पार्टी को देंगी? हाँ, थर्ड पार्टी को दे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, चलिए, क्योंकि मैं सभी बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, आपको अपने स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करना है। सही से भाई, हम तो इनकी अब तक तो मोदी की दे था, मोदी मोद करा को तो बूढ़ा बड़ा की रोटी खोल दी, मोद कर रहा थी, मोद जितना दे रहा उतना उल्टा नहीं है। तो मोदी मोदी की सरकार सही काम कर रही है? मार तो सही करियो, सब तक तो रोटी टूक। आपको वृद्धा पेंशन मिलती होगी? हाँ, पेंशन मिलती है। हाँ, आपको मिलती ना? मिले भाई, मैं कुछ भी ना मिले, मार तो टैक्स और लगन लाग रहा, टैक्स लग रहा है। हाँ, तो ये टैक्स से निजात कौन सी सरकार दिलाएगी फिर? और के अब भाई देखनू तो ना, फिर हम तो आम आदमी पार्टी की देंगे।
चलिए यहाँ कुछ महिलाएं थी, इनसे बातचीत की। भाजपा कांग्रेस सबने अपना अपना पक्ष रखा, कहीं के आम आदमी पार्टी के वो दावे मंसूबों को संभावनाओं के तौर पे देख रहे हैं कि फ्री बिजली या बस का जो फ्री किराया कहीं ना कहीं दिल्ली में दिया गया, उस तरह का अगर दिया जाता है तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। तो आपने जाना हरियाणा विधानसभा का क्या माहौल है, जनता के मन में क्या है, और इस बार विधानसभा चुनाव का सरताज कौन होगा, कौन बाजी मारेगा, और जब चुनावी टकराव के दौरान जब जानते हैं कि जनता बदलाव चाहती है या फिर वही चेहरे दोहराना चाहती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कैमरा पर्सन दीपक के साथ में हरिओम वीर। हरियाणा के लोकसभा चुनाव परिणाम ने भाजपा को काफी निराश किया था, इसी लिहाज से भाजपा के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव जितना महत्वपूर्ण है और जितना चुनौती भरा है, ऐसे में भाजपा के लिए हरियाणा का चुनाव आसान नहीं होने वाला। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।